अपने कॉलेज के दिनों में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरा ध्यान इस बात पर रहता था कि स्कोरबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं, जबकि स्कोरबोर्ड का संचालन एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता था और मेरी इस आदत के कारण मैं खेल का पूरा आनंद नहीं ले पाता था, जबकि मेरे दूसरे साथी खेल का पूरा आनंद लेते थे। क्या आप जानते हैं हम सबके जीवन में भी एक स्कोरबोर्ड चलता रहता है? जब किसी के साथ हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है या किसी ने हमारा दिल दुखाया हो या यदि वह व्यक्ति कुछ ऐसा बोल दे या कुछ ऐसा कर दे जिससे हमें बुरा लगे तो हम उस व्यक्ति के स्कोरबोर्ड में अंक चढ़ाते चले जाते हैं, जैसे कि उसने एक बार फिर मेरे साथ ऐसा या वैसा कर दिया, उसने फिर मुझे धोखा दिया, उसने फिर मुझसे बुरा व्यवहार किया। ऐसी ही बहुत सी बातें हो सकती हैं जिससे आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए घृणा और क्रोध उत्पन्न हो या और अधिक बढ़ जाए। जब हम दिल रूपी स्कोरबोर्ड पर ऐसे लोगों की बातें और कृत्य चढ़ाते जाते हैं तो हम अपने आप को परेशान और दुखित करते हैं और जीवन के सुख का उपभोग नहीं कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए? तो मित्रों, मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप उन्हें क्षमा कर दें। थोड़ा कठिन है लेकिन उसके बाद आप अपने में एक हल्कापन अनुभव करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता है। बाइबल भी इस विषय पर लूका 6:37 में कहती है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा।